मैं हूं सानिया अजी से, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंबई से सटे चीता कैंप का एक इलाका ट्रॉम्बे में एक 40 साल पुरानी इमारत का स्लैब गिरने से 2.5 साल की बच्ची की मौत हो गई और 2 अन्य लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाके में रह रहे लोगों ने कहा है कि बीएमसी ने कभी कोई भी इमारत की जांच पड़ताल नहीं की, इसी कारण यह हादसा हुआ है। वहीं दूसरी ओर थाने से सटे कलवा इलाके में एक 3 मंजिला इमारत में पहली मंजिल का स्लैब गिर गया, जिसमें 3 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। इस मामले में आरडीएमसी ने कहा कि सूचना मिलते ही दमकल विभाग मौके पर पहुंचकर 3 घायलों को बचाने में लगी थी और फिर उन्हें पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस हादसे के बाद इमारत में रह रहे लोगों को महानगर पालिका ने जल्द से जल्द इमारत खाली करने का आदेश दे दिया है। इमारत का नाम विक्रांत भवन है, जो कि मनीषा नगर में स्थित है और लगभग 40 साल पुरानी बताई जा रही है।